नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बता रही हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 12 के मल्टीपल में फंदे डालें। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर के बाद ये हमारा फाउंडेशन रो है, 3 फंदा सीधा, फिर 6 फंदा उल्टा, फिर 6 फंदा सीधा, और 6 फंदा उल्टा। इस तरह हम पूरी स्वेटर में 6 फंदा सीधा और 6 फंदा उल्टा बुनेंगे। शुरुआत में चूंकि हमने 3 फंदा सीधा बुना है तो लास्ट में भी 3 फंदा सीधा ही आएगा, और रॉन्ग साइड से जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लें और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लें। थर्ड रो और फ्रंट साइड, अब हम इन 3 फंदों को 1, 2, 3 को 4, 5, 6 की जगह पे कर देंगे और 4, 5, 6 को 1, 2, 3 की जगह पे। दोनों को हमने ऐसे उनका जगह बदल दिया, और ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बुनेंगे, और ये सीधे फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा ही बुनेंगे। फिर अगले 6 फंदों को हम आपस में इनका जगह बदल देंगे, 1, 2, 3 को 4, 5, 6 की जगह और 4, 5, 6 को 1, 2, 3 की जगह। सीधा वाला फंदा जो है वो ऊपर से ऐसे आएगा। ये 3 फंदे सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे, और ये 3 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। फिर अगले 6 फंदों का भी हमें जगह बदल देना आपस में। 3 फंदे सीधे वाले हैं तो ये ऊपर से जाएंगे, ये ऊपर से जाएंगे, 3 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह हर 6 फंदों को आपस में हम ट्विस्ट कर देंगे। सीधा वाला फंदा ऊपर से जाएगा और उल्टा वाला फंदा नीचे से जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग, 3 फंदे सीधा, फिर 6 फंदे उल्टा, फिर 6 फंदे सीधा, 6 फंदे उल्टा। पांचवी लाइन और सामने से 3 फंदा उल्टा और फिर 6 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 फंदा उल्टा, फिर 6 फंदा सीधा। जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। शुरुआत में 3 फंदा उल्टा है तो लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा ही आएगा। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, 3 फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और इन 6 फंदों को हम नीचे गिरा देंगे, पहले दूसरे तीसरे को बाएं सिलाई में और
चौथे पांचवे छठे को दाहिनी सिलाई मिलेंगे और इसको ऐसे ऊपर से ला के बाईं सिलाई में आगे कर देंगे और इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर छह फंदे उल्टे फिर उन दूसरी ओर करेंगे और अब इन छह फंदों का आपस में हमें जगह बदलना है। पहले दूसरे तीसरे को बाईं सिलाई में लेंगे, चौथे पांचवें छठे को दाहिनी सिलाई में लेंगे और इसे खींच के आगे ला बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर छह फंदा उल्टा फिर अगले छह फंदों का हमें आपस में जगह बदलना है। पहले दूसरे तीसरे को बाईं सिलाई में हम चढ़ा लेंगे और चौथे पांचवें छठे को दाहिनी सिलाई में खींच के वापस बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। और लास्ट के तीन फंदे उल्टे, रॉन्ग साइड से जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा और जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा बुनेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड तीन फंदा उल्टा फिर छह फंदा सीधा फिर छह फंदा उल्टा। इन्हीं 12 फंदों को यानी 6 फंदा सीधा 6 फंदा उल्टा पूरी लाइन में हमें दोहराना है। शुरुआत में 3 फंदा उल्टा आया है तो लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा ही आएगा। 10th रो और रॉन्ग साइड जहां सीधा दिखाई दे रहा है वहां सीधा और जहां उल्टा दिखाई दे रहा है वहां उल्टा बुन लेंगे। 11th रो और फ्रंट साइड 3 फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे और इन छह फंदों को हमें वापस ऐसे आपस में जगह बदल देना है। 1, 2, 3 को बाईं सिलाई में, 4, 5, 6 को दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे और ऐसे खींच के आगे ला देंगे। इन छह फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर छह फंदा उल्टा फिर हमें इन छह फंदों का आपस में ट्विस्ट कर देना है। 1, 2, 3 को बाईं सिलाई में लेंगे और 4, 5, 6 को दाहिनी सिलाई में और फिर इन्हें बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और इन छह को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 13वीं लाइन और सामने से 3 फंदा उल्टा फिर 6 फंदा सीधा फिर 6 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में 3 फंदा उल्टा आया है तो लास्ट में भी 3 फंदा उल्टा ही रहेगा। और रॉन्ग साइड से जहां सीधा दिखाई दे रहा है वहां सीधा और जहां उल्टा दिखाई दे रहा है वहां उल्टा। 15वीं लाइन और सामने से अब हम अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब इन दो छह फंदों को यानी शुरू के 3 फंदों को 6 फंदों को हम आपस में जगह बदलेंगे।
सीधा वाला फंदा ऊपर से जाएगा और उल्टा वाला फंदा नीचे से जाएगा। इन छह फंदों को हम सीधे वाले फंदे को सीधा और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन फंदा सीधा, फिर एक, दो, तीन फंदा उल्टा। फिर इन छह फंदों को हमें आपस में जगह बदलना है। उल्टे वाले फंदे को दाहिने हाथ के सिलाई में और सीधे वाले फंदे को बाएं हाथ के सिलाई में चलाएंगे। और अब सीधा वाला फंदा ऊपर से जाएगा, तीन फंदा उल्टा बुन लेंगे और फिर तीन फंदा सीधा। तीन फंदा सीधा, और फिर इन छह फंदों का हमें आपस में जगह बदलना है। सीधा वाला फंदा हमेशा ऊपर से जाएगा और रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। तीन फंदा सीधा, छह फंदा उल्टा, फिर छह फंदा सीधा, छह फंदा उल्टा। उन्नीसवीं लाइन और सामने से तीन फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर छह फंदा उल्टा। और फिर जैसे हमने यहाँ पे इन छह फंदों को ट्विस्ट किया है वैसे ही हम छह फंदे आपस में ट्विस्ट करेंगे। चार पाँच छः को हम आगे लाएंगे और एक दो तीन को पीछे लाएंगे। चार पाँच छः ऊपर से ऐसे आएगा और फिर इन छह को हम सीधा बुन लेंगे। फिर छह फंदा उल्टा, फिर इन छह फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे। एक दो तीन नीचे से जाएगा और चार पाँच छः ऊपर से आएगा और इन छह को हम सीधा बुन लेंगे। और फिर छह फंदा उल्टा और लास्ट के तीन फंदे सीधे। यानी जहाँ जहाँ हमारा छः छः फंदा ऐसे इकट्ठा हुआ रहेगा वहाँ पे हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। 21वीं और 22वीं लाइन में जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुन लेंगे। तेईसवीं लाइन और सामने से तीन फंदा सीधा और फिर छह फंदा उल्टा। और फिर अब इस लाइन में हमें फिर से इन छह फंदों को आपस में ट्विस्ट करना है। एक दो तीन नीचे से जाएगा और चार पाँच छः ऊपर से जाएगा। एक बार ट्विस्ट करने के बाद हम अगली लाइन में जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुन रहा है। छह फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर छह फंदा उल्टा, फिर अगले छह फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है। एक दो तीन नीचे से जाएगा और चार पाँच छः ऊपर से आएगा और इन्हें हम सीधा बुन लेंगे।
फिर 6 फंदा उल्टा और लास्ट में 3 फंदा सीधा। और पीछे से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। पच्चीसवीं लाइन और सामने से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से भी जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा बुन लेंगे। सत्ताईसवीं लाइन और सामने से अब यहाँ से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा। अब इन 3 फंदों को हम पहले दूसरे तीसरे को हम छठे की जगह पे करेंगे और चौथे पांचवें छठे की जगह पे पहले दूसरे तीसरे को और 3 फंदा उल्टा और फिर 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। 3 फंदा उल्टा फिर 3 फंदा सीधा। फिर अगले 6 फंदों का हमें जगह बदलना है। सीधा वाला फंदा ऊपर से आएगा, उल्टा वाला फंदा नीचे से जाएगा। तीन फंदा सीधा और उल्टे वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर अगले 3 फंदों 6 फंदों का हमें जगह बदलना है। उल्टा वाला फंदा नीचे से जाएगा और सीधा वाला फंदा ऊपर से जाएगा। उल्टे वाले को उल्टा और सीधे वाले को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से जहाँ सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ सीधा और जहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है वहाँ उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।